अबे आपके 8.1 क्वेश्चन नंबर एक, चतुर्भुज के चारों कोणों का अनुपात देर का, इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर एग्जाम में आता है, चारों और इजी भी है, चारों कोणों का अनुपात देर का है और आपको प्रत्येक कोण क्या करना है, ज्ञात करना है। तो सबसे इजी और सिंपल क्या है इसमें, आपको चारों कोणों को अनुपात देर का, तो पहले क्या करेंगे, इसके पीछे या तो एक्स मान लो या के मान लो या ए मान लो बी मान लो कुछ भी मान लो पीछे। तो माना पहला जो कोण है वो हो गया है आपके 3k, के लिख सकते हो अपनी मर्जी हो, तो दूसरा कोण हो जाएगा आपके 5k, तीसरा हो जाएगा आपके 9k, आप चाहो तो m मान सकते हो, x मान सकते हो, अपना नाम का भी अक्षर ले सकते हो, और चौथा जो एंगल है वो हो गया है आपके 13k। और नियम है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का जो योग होता है वो होता है आपके 180, तो 3k प्लस 5k प्लस 9k प्लस 13k बराबर हो गया है आपके 360। कारण क्या लिखोगे, एंगल सम प्रॉपर्टी, मतलब चतुर्भुज के चारों कोणों योग्यता होता है 360 होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी सूत्र भी है आपके n-2 × 180, एन माइनस दो वाला सूत्र है, उस सूत्र के हिसाब से, उस सूत्र को कहते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी सूत्र है, चतुर्भुज चारों कोणों योग 180 होता है, 3 और 5 8 और 9 17 और 13 कितने हो गए हैं 30k, गुणा तो भाग में, तो k का मान हो जाएगा 360/30, काट दो ये आ जाएगा आपके 12, k का मान आ गया है 12। तो हम पहला कोण याद करेंगे, पहला कोण दे रखा 3k, मतलब 3 × 12 ये हो गया है 36 डिग्री, दूसरा कोण दे रखा है आपके 5 × 12 मतलब के 60 डिग्री, तीसरा कोण दे रखा है आपके 9 × 12 बराबर हो गया है 108 डिग्री, चौथा कोण दे रखा है आपके वो हो गया है आपके 13 × 12 156 डिग्री। चारों कोण याद हो गए, इन चारों का जो योग है वो आपके हो गया कितना 360 डिग्री। अब यहाँ पर ए बी सी डी दे रखा है समांतर चतुर्भुज और विकर्ण ए सी और बी डी दोनों बराबर है, तो हमें सिद्ध करना है कि ये कौन सा चतुर्भुज, ये क्या है, आयत है, तो आयत अगर समान चतुर्भुज आयत बनाना हो तो नियम है समांतर चतुर्भुज का एक कोण 90 डिग्री हो तो वो क्या कहलाता है, आयत कहलाता है। तो हमें जैसे मान लो यहाँ इन दोनों का योग 180 हो रहा है, हम क्या करेंगे, दोनों कोणों को बराबर कर देंगे, बराबर कैसे करेंगे, सर्वांग सम से करेंगे, तो दो त्रिभुज लेंगे, एक त्रिभुज तो ये वाला ए बी और सी, ये वाला लेंगे, और एक त्रिभुज लेंगे हम ये इधर वाला, इसका नाम है ए बी और डी। अब हम क्या करेंगे, जैसे इन दोनों कोणों का जो योग है वो होता है 180, अब दोनों बराबर कर दो तो बराबर कर देंगे, आधा तो हो जाएगा 90, तो एक कोण हो जाएगा 90 डिग्री का, तो ये क्या कहलाएगा, आयत कहलाएगा। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों कोणों का योग याद कर, इन दोनों कोणों को बराबर कर दो, पहले काम यही है, तो त्रिभुज है आपके ए बी सी, वह त्रिभुज जाएगा आपके ए बी डी से, तीन चीजें बराबर करनी है तो हो जाएगा सर्वांग सम, तीन चीजें कौन सी बराबर करेंगे, ये ए सी और ये है डी इधर है, तो बी डी क्या है आपके बराबर ए बी डी, और ये हो जाएगा आपके ए बी सी, दोनों उल्टे लिख दिया मैंने, ये वाला ए बी डी और ये वाला हो जाएगा ए बी सी, तीन चीज़ें बराबर करनी है, ए सी इधर है, ए सी और बी डी क्या है आपके बराबर है, ये विकर्ण और ये विकर्ण, विकर्ण दोनों क्या है आपके बराबर, तो लिख सकते हो ए सी बराबर क्या है बी डी, क्यों है, सवाल के अंदर क्या है आपके दिया हुआ, सवाल में लिखा हुआ है कि विकर्ण बराबर, तो हम लिख सकते हैं दिया हुआ। दूसरा कारण क्या हो जाएगा आपके, ये भुजा और ये भुजा क्या है आपके बराबर, ए डी बराबर क्या है आपके बी सी, बताओ ये और ये बराबर क्यों है, क्योंकि सवाल के अंदर दे रखा है कि ये क्या है ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, और समांतर चतुर्भुज का नियम है उसके आमने सामने की जो भुजाएं होती है वो क्या होती है बराबर, तो ए बी सी डी क्यों है बराबर, लिख सकते हो समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हमेशा क्या होती है बराबर। तीसरा, ये भुजा ऐसी है जो इस त्रिभुज में भी आ रही इसमें भी आ रही, ए बी नाम दोनों कॉमन है, ये भुजा ऐसी है जो इसमें भी आ रही है और इसमें भी आ रही है, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा आपके ए बी, ये आ जाए कॉमन, मतलब कॉमन को बोलते हैं उभयनिष्ठ।
तो नियम कौन सा लग गया आपके, एस 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 द्वारा कह सकते हैं त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम है त्रिभुज ए बी सी के, दोनों हो गए कॉन्ग्रुएंट, सर्वांगसम हो गए। तो अगर दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो उसके अन्य भाग क्या होंगे, बराबर, अन्य भाग मतलब ये वाला और ये वाला बराबर होगा, कोण बी बराबर होगा, जैसे कोण क्या लिख सकते हो आप, डी ए बी बराबर होगा कोण ए बी सी, ये वाला कोण और ये वाला कोण, दोनों कोण क्या होंगे आपके, बराबर। अब कारण क्या हो जाएगा बराबर होने का, लिख सकते हो बाई सी पी सी टी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल, मतलब सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग क्या होते हैं, बराबर। और देखो इन दोनों का जो जोड़ है, जैसे ये भी भूल जाए लाइन है, तो इन दोनों का जोड़ है डी ए बी प्लस कोण ए बी सी, दोनों का योग कितना है आपके 180, दोनों का जोड़ 180 भी है और दोनों बराबर भी, इसका मतलब क्या हुआ, ए कितना हो गया 90 डिग्री, अतः कोण डी ए बी कितना हो जाएगा आपके 90 डिग्री। अब ये लाइन नीचे लिख सकते हो, जिस समांतर चतुर्भुज का ए कोण 90 डिग्री हो वो कहलाता है आपके आयत, जिस पैरेललोग्राम का एक एंगल 90 डिग्री हो वो कहलाता है रेक्टेंगल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, इसमें लिख रखा है कि एक चतुर्भुज है जिसके विकर्ण आपस में समकोण डिग्री पर एक दूसरे को दो भागों में बांटते हैं, मतलब ये और ये बराबर, ये और ये बराबर, और यहाँ बन रहा है आपके 90 डिग्री कोण भी। तो अगर ऐसा होता है कि विकर्ण एक दूसरे को करे समद्विभाजित, वो भी किस पर, 90 डिग्री पर, तो हमें बताना है जो आकृति बनेगी वो क्या बनेगा, समचतुर्भुज बनेगा। समचतुर्भुज कहते हैं किसे, जिसकी चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर। हमें सिद्ध करना है कि चारों भुजाएं क्या है, बराबर। तो सिंपल है, देखो उपपत्तिम, पहले लेंगे हम ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, कोई भी ले सकते हो आप, चौथ ये और ये भी ले सकते हो, जैसे मैंने ले लिया है त्रिभुज ए ओ बी, वह त्रिभुज हो गया है आपके ए ओ डी से, इन दोनों को हमने अगर कर दिया सर्वांगसम तो ये दोनों भुजाएं क्या हो जाएगी, बराबर, फिर ये दोनों बराबर, फिर ये दोनों बराबर, तब सब भुजाएं क्या हो जाएगी आपके, बराबर। तो हमें पहले इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, सर्वांगसम करना पड़ेगा। तो एक त्रिभुज ये है और एक त्रिभुज ये है, तो इसमें तीन चीजें बराबर करनी, पहली ए ओ भुजा बराबर है ए ओ, इसमें भी आ रहा है ए ओ, इसमें भी आ रहा था, ये हो गया है आपके उभयनिष्ठ, हो गया कॉमन भुजा। दूसरा है आपके ये और ये बराबर है, सवाल के अंदर दे रखा है विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, संधिभाजित करते हैं, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, तो मतलब ये विकर्ण एक दूसरे को दो भागों में बांट रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपके बी ओ बराबर क्या हो जाएगा डी ओ, विकर्ण क्या कर रहे हैं, ये सवाल के अंदर क्या है आपके दिया हुआ, सवाल में दिया हुआ है कि विकर्ण एक दूसरे को दो भागों में बांट रहे हैं, इसलिए हमने ये लिखा है। तीसरा 90 डिग्री कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण, जैसे ओ बीच में आ रहा है, यही लिख दो कोण ए ओ बी बराबर है कोण ए ओ डी, ये दोनों बराबर है, कारण क्या है 90 डिग्री, ये भी सवाल के अंदर आपके दिया हुआ है कि समकोण पर क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को संधिभाजित कर रहे हैं। तो नियम कौन सा लगा, दो भुजाएं एक कोण, जैसे दो भुजाएं आ जाए तो ए को बीच में लिखना है, तो ये हो जाएगा आपके एस ए एस द्वारा कह सकते हैं त्रिभुज ए ओ बी सर्वांगसम है त्रिभुज ए ओ डी के, अगर सर्वांगसम है तो उसके अन्य भाग क्या होंगे, बराबर, अन्य भाग मतलब ये और ये बराबर हो जाएगा, ए बी बराबर हो जाएगा आपके ए डी, क्यों हो जाएगा, बाई सी पी सी टी, ऐसे मान लो समीकरण नंबर 1। अब हम लेंगे ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, क्या लिखो, सेम इसी प्रकार वही चीज़ें लेनी है, इसी प्रकार इन दोनों में भी वही, देखो ये और ये बराबर, ये कॉमन, ये 90 डिग्री, तो सेम चीज़ लिखनी है, इसी प्रकार ये दोनों भुजाएं में क्या हो जाएगी, बराबर, ए बी बराबर हो जाएगा आपके बी सी, कारण हो जाएगा बाई सी पी सी टी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। आप चाहो तो ये लाइन यहाँ पर लिख कर भी सिद्ध कर सकते हो, और सेम इसी प्रकार आप इन दोनों में करेंगे, इन दोनों को ऐसे ही, सेम इसी प्रकार ये बी सी और सी डी भी क्या हो जाएगी आपके, बराबर, बी सी और सी डी भी क्या हो जाएगी, बराबर, कारण बाई सी पी सी टी समीकरण नंबर क्या हो गया आपके 3, समीकरण नंबर 1, 2 व 3 से ए बी किसके बराबर है, ए बी बराबर है ए डी के, ए बी किसके बराबर है, बी सी के भी, अब बी सी किसके बराबर है, सी डी के, तो चारों क्या हो गई, बराबर, जिसकी चारों भुजाएं बराबर है वो क्या कहलाता है, समचतुर्भुज, रोम्बस कहलाता है।
जिसकी चारों भुजाएं बराबर था, इसका मतलब क्या हुआ, ए बी सी डी एक क्या है, समचतुर्भुज है। ए बी सी डी क्या है, एक समचतुर्भुज। फिर है क्वेश्चन नंबर चार, ये दे रखा है क्वेश्चन नंबर चार में ए बी सी डी एक वर्ग है और हमें सिद्ध करना है कि विकर्ण बराबर होते हैं। मतलब पहला काम सिद्ध करना है कि ए सी बराबर क्या है आपके बी डी। दूसरा सिद्ध करना है कि ये एक दूसरे को समकोण पर समद्विबाजक करते हैं। किस पर समकोण करते हैं, समकोण पर। मतलब यहाँ 90 डिग्री कोण बनता है, हमें ये बताना है कि कोण ए ओ बी, या कह दो कोण ए ओ डी, या कह दो कोण बी ओ सी, या कह दो कोण सी ओ डी, ये होता है आपके 90 डिग्री का। ये सिद्ध करना है, परस्पर 90 डिग्री पर काटते हैं ये बताना है, 90 डिग्री पर दो भागों में बांटते हैं, ये सिद्ध करना है। तो देखो उपपतिम, सबसे पहले हम ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, जैसा अभी मैंने लिया था सवाल नंबर दो में वैसा लेना है। तो एक त्रिभुज ये ले लेंगे ए बी डी और एक ले लेंगे त्रिभुज हम ए सी डी। तीन चीजें बराबर करनी है, ये और ये बराबर, ए डी बराबर क्या है आपके बी सी। इस त्रिभुज की ये भुजा और इस त्रिभुज की ये भुजा बराबर है। कारण क्या है, ये है वर्ग की भुजाएं हैं और वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती है, आपस में बराबर। दूसरा, ये भुजा ऐसी है जो इस त्रिभुज में भी आ रही है और इस त्रिभुज में, ए बी, ए बी दोनों में आ रहा है। यहाँ लिखना था मुझे ए बी सी, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, दो त्रिभुज लेने हैं। तो अब देखो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज के अंदर आपके ये भुजा और ये भुजा क्या है, बराबर भुजा हो गई और ये भुजा कॉमन आ रही है। ए बी बराबर क्या आ जाएगा, ए बी, ये हो गया है आपके उभयनिष्ठ, मतलब क्या हो गया है, कॉमन। तीसरा, तीसरा हो जाएगा आपके इस त्रिभुज, इस त्रिभुज के अंदर यहाँ जो कोण है वो 90 डिग्री का है। तो मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण, कोण ए बराबर क्या है कोण बी, ये होता है 90 डिग्री, क्योंकि ये वर्ग है और वर्ग के अंदर प्रत्येक अंग तरीके होता है आपके 90 डिग्री। आपको जो चीज़ सिद्ध करनी है वो यहाँ दिया हुआ मैंने लिखना है, इसके अलावा सारी चीज़ें आप यूज कर सकते हो। बस एक तो ए सी बराबर बी डी इसमें नहीं लेना है और एक ये सभी कोण यहाँ आपके 90 डिग्री होता है ये नहीं लेना है, यहाँ ले सकते हो। तो अब क्या हो गया, ए बी तो दो भुजें हैं और एक कोण है, तो नियम कौन सा लग गया है, एस ए एस द्वारा कह सकते हैं त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम है त्रिभुज ए बी सी के। अगर सर्वांगसम है तो उसके अन्य भाग क्या होंगे, बराबर। मतलब इस त्रिभुज का बी डी और इस त्रिभुज का ए सी क्या होगा, बराबर। बी डी और ए सी क्या हो जाएगा आपके, बराबर। बी डी बराबर है ए सी, क्यों होगा बराबर, क्योंकि लिख सकते हो बाय सी पी सी टी। इसका मतलब हमने पहली चीज प्रूव कर ली है कि विकर्ण क्या होते हैं, बराबर। तो हमने इसे कह सकते हैं कि विकर्ण क्या हो गए हैं आपके, बराबर। अब यहाँ पर आपको एक कोण 90 लेकर आना है, केवल एक, क्योंकि यहाँ 90 है तो इधर 90 बन जाएगा, फिर घटाओगे तो भी 90, तो यहाँ आपको 90 डिग्री लेना है। तो 90 डिग्री कैसे लेंगे, इन दोनों त्रिभुजों को क्या कर दो आप, सर्वांगसम कर दो, दोनों को बराबर कर दो। एक ये त्रिभुज है और एक ये त्रिभुज है, एक का नाम है त्रिभुज ए ओ डी, वह त्रिभुज हो जाएगा आपके सी ओ डी। ये दोनों या ये दोनों या ये दोनों, कोई भी चारों में से लगातार दो कोण लेने हैं, तो इन दोनों त्रिभुजों को करना है आपको सर्वांगसम। तो तीन चीजें बराबर करनी है, पहली इस त्रिभुज की ये भुजा और इस त्रिभुज की ये भुजा बराबर है, क्या नाम है, ए डी बराबर क्या है आपके सी डी, ये और ये बराबर है। अब कारण क्या है, बराबर क्योंकि ये सब क्या है आपके, वर्ग की भुजाएं हैं। पहला पॉइंट मैंने सिद्ध कर दिया, अगला पॉइंट मैं ले रहा हूं, ए डी बराबर क्या हो गया सी डी, वर्ग की भुजाएं, ये भुजा कॉमन आ रही है, मतलब डी ओ बराबर हो जाएगा डी ओ, ये कॉमन है, मतलब क्या हो गया आपके, उभयनिष्ठ हो गया। तीसरा, तीसरा लिख सकते हैं कि ये और ये क्या है आपके, बराबर। ए ओ बराबर क्या है सी ओ, तो ए ओ बराबर क्या है सी ओ, क्योंकि देखो जो जो 90 डिग्री लाना है और ये बराबर करना है, बाकी वाले सारे नियम आप वर्ग के लगा सकते हो। तो आपको ये 90 डिग्री नहीं लिखना है और ए सी बराबर बी डी यहाँ पर यूज नहीं करना है, ये मेन ग्रुप है ना, इसके अंदर आपको जो सिद्ध करना है वो यूज नहीं लेना है। तो यहाँ 90 डिग्री है वो नहीं लिख सकते, लेकिन वर्ग क्या करते हैं, संधिभाजित करते हैं, एक दूसरे को बांटते हैं, वर्ग के विकर्ण। लेकिन देखो
यहाँ जो सिद्ध करना है वो है समकोण पसंद विभाजित करते हैं, 90 डिग्री पसंद विभाजित करते हैं, ये सिद्ध करना है। तो यहाँ आपको 90 डिग्री लेके आना है, तो आपको ये वाले यहाँ 90 डिग्री लाना है, ये दोनों तो बराबर है तो इसको आपको चेंज करने की जरूरत नहीं, इसमें आपको कुछ लाने की जरूरत नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, ये और ये क्या हो गया आपके बराबर, क्यों है, क्योंकि विकर्ण परस्पर क्या होते हैं, समद्विभाजित। केवल यही लिखेंगे, परस्पर क्या होते हैं, समद्विभाजित, समकोण पर नहीं होते। समकोण पर हमको सिद्ध करना है, 90 डिग्री हमें लाना है, इसलिए हम समद्विभाजित लिख सकते हैं लेकिन समकोण नहीं लिख सकते, क्योंकि हमें समकोण तो सिद्ध करना है। तो नियम कौन सा लग गया आपके, एस 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 द्वारा कह सकते हैं त्रिभुज ए ओ डी सर्वांगसम है त्रिभुज सी ओ डी के। अगर ये दोनों सर्वांगसम है, इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला इस त्रिभुज का ये कोण और इस त्रिभुज का ये कोण क्या होगा, बराबर। तो कोण एक बराबर होगा कोण दो, कारण हो जाएगा बाई सी पी सी टी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग क्या होते हैं, बराबर। तो ये दोनों बराबर है और दोनों जोड़ करो तो कोण एक और कोण दो को जोड़ने पर आता है 180। क्यों होता है, लिख सकते हो रेखिक कोण युग्म, लीनियर पेयर कहते हैं रेखिक कोण युग्म। इन दोनों जोड़ने पर 180 भी आता है और दोनों बराबर भी, इसका मतलब एक कोण कितना हुआ, 90 डिग्री का। अतः कोण एक या फिर कोण दो, दोनों कितने हो गए आपके 90-90 डिग्री के। तो हम लिख सकते हैं कि दोनों समकोण पर संधिवाजित होते हैं, संधिवाजित होते हैं लेकिन किस पर होते हैं, 90 डिग्री पर।